स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल कम्पिटेटिव वर्ल्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास सेवन्थ का एनसीईआरटी साइंस से जो अध्याय सिक्स है, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसमें से महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो है हम लोग फोकस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर सिक्स, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का बिलियन बनाना ये क्या है? परिवर्तन है। यानी कि दिया गया है जो आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है, तो शक्कर का बिलियन बनाना एक क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, इसी प्रकार दूध से दही जमाना भी क्या है? एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है, तो दूध का खट्टा होना भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर पॉइंट बनता है, ये परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन मतलब क्या होता है? जो एक प्रकार का चेंजिंग हो जाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो भौतिक एवं रासायनिक उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन। तो इससे पहले जो हम लोग परिवर्तन के बारे में जान लिए हैं, जो जब मान लीजिए हमको शीतल पेय बनाना है, ठीक है, शीतल पेय बनाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? तो पानी में शक्कर घोलते हैं। ठीक है, तो शक्कर का बिलियन बनाना एक क्या प्रकार है? एक प्रकार का क्या है? तो परिवर्तन है। इसी प्रकार अगर दूध से हम लोग दही बनाते हैं, तो यह क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना भी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। और खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को क्या करता है? तो प्रदर्शित करता है। अब आगे दिया गया है, जो ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार का होता है, यानी कि जो चेंजिंग जो होता है परिवर्तन, वो कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। तो ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक भौतिक हो गया और एक रासायनिक। यानी कि जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका हो गया भौतिक परिवर्तन और एक हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब बारी बारी से क्या करेंगे? भौतिक परिवर्तन के बारे में जानकारी लेंगे, फिर रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन स्टार्ट करने से पहले इनका कुछ क्रियाकलाप पर फोकस कर लेते हैं। ये क्रियाकलाप में क्या दिया गया है? दिया गया यहाँ पर कागज के एक टुकड़े को चार वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः चार टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले, जैसे चित्र 6.1 में दिया गया है। देखिए, इस प्रकार दिया गया है, जो कागज के टुकड़े को जो है क्या करना है, तो चार वर्गाकार टुकड़ों में काट दिया। फिर बोलता है चार वर्गाकार टुकड़ों में काटने के बाद क्या करना है? फिर दिया है जो प्रत्येक वर्ग को पुनः चार टुकड़ों में काटिए। फिर पुनः क्या करना है? चार टुकड़ों में काटना है। इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, जो कुछ ना कुछ इसमें तो गुण परिवर्तन हुआ है, तो कौन सा गुण परिवर्तन हुआ इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है क्रियाकलाप 6.2, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर ले, अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण बना ले। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चौक के आकार में बेल कर सूखने दे। क्या आप चौक के चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? फिर अगला दिया गया है क्रियाकलाप 6.3 में, दिया गया है जो कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए और बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। यानी कि जब तक बर्फ पिघले नहीं, तब तक क्या करेंगे? उसको हम लोग धूप में रखेंगे। ठीक है, अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण मतलब हो गया बर्फ और नमक का मिश्रण। ये पॉइंट यहाँ बन रहा है, बार बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार का, जो हिमकारी मिश्रण जो किस प्रकार बनाया जाता है, तो बर्फ और नमक के द्वारा मिला करके क्या बनाया जाता है? तो हिमकारी मिश्रण। तो क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? क्रियाकलाप 6.3 बता रहा है। अब आगे दिया गया है 6.4 में, तो एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए।
बर्तन के भीतरी सतह को देखिए। अब इसमें जो कितना इतना क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें आपको यह बताया गया है जो ये परिवर्तन किस प्रकार का होता है, ठीक है, और ये परिवर्तन जो होता है तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, इसी प्रकार जो है ये दिया गया है क्रियाकलाप करके आप अपना घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिर आगे दिया गया है क्रियाकलाप 5.6.5 में, सावधानी, ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरती, यानी कि अगर हम आग से संबंधित कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या करना है, हम लोग को सावधानी रखना है, इस बात पर कोई फोकस करना है। जैसे आगे दिया गया है कि उपयोग किए जा चुके लोहे की आड़ी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए, ब्लेड के मुंह सिरे के अगर, यानी अगर मतलब होता है अगला भाग, को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है, ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। आप ब्लेड को क्या करेंगे, ज्वाला से हटाएंगे। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए, क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है। क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के आमाप, आमाप मतलब तो साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में भी जल की अवस्था क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जाता है। जल की अवस्था में भी क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। ठोस से क्या होता है, द्रव, अथवा गैस से क्या बनता है, द्रव बन जाता है। फिर क्रियाकलाप 6.5 में दिया गया है जो आरी के ब्लेड का रंग गर्म करना भी क्या करने पर क्या हो रहा है, इसका इसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आरी के ब्लेड को जो है रंग गर्म करने पर क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फिर आगे दिया गया है जो पदार्थ के आकार, आमाप जिसे साइज कहते हैं, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक गुण किसे कहते हैं, तो पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण को क्या कहते हैं, तो भौतिक गुण कहते हैं। अब आगे दिया गया है भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो वैसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है वैसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, या वैसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, ध्यान देंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। अब ये उत्क्रमणीय क्या होता है, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, जो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उत्क्रमणीय मतलब जो ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ऐसे परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे देख लीजिए, जो जब जल को हम उबालते हैं तो क्या होता है, वाष्प बन जाता है, ठीक है। फिर जल में साधारण नमक, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जल में साधारण नमक का घुलना या फलों से सलाद बनाना, इसमें जो है कोई भी नया पदार्थ निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार समझेंगे यह क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और यह परिवर्तन क्या होता है, तो उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। अगला दिया गया है जो रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो लोहे में जंग लगना एक क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान देंगे, जो लोहे में जंग लगना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जिससे आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो उस पर क्या होता है, भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है, यानी कि अगर हम लोहे को जो है खुले में छोड़ दें तो इस पर क्या होता है, तो भूरे रंग के पदार्थ की परत क्या होती है, उस पर जम जाती है। ध्यान देंगे, जो लोहे को खुले में छोड़ देने पर क्या होता है, तो इस पर भूरे रंग का परत, यानी भूरे रंग के पदार्थ की परत क्या हो जाती है उसमें, तो जम जाती है। यह पदार्थ क्या कहलाता है, तो जंग कहलाता है, ध्यान देंगे, क्या कहलाता है, जंग कहलाता है, और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, तो जंग लगना कहलाता है। इसमें होता क्या है, जो अगर हम इसे छोड़ देंगे खुले में, तो जंग का निर्माण होता कैसा है, तो जंग इस प्रकार लगता है, जो वायु में जो है नमी की मात्रा होती है, जिसके कारण क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है। वायु में नमी की मात्रा रहने से उसमें क्या होता है, जंग लगने की संभावना बनी रहती है। फिर आगे दिया गया है जो पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे के अलावा कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। तो आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक तो खुला रख देने पर उसमें क्या हो जाती है, तो जंग लग जाती है। ध्यान देंगे, खुला रख देने पर उसमें क्या लग जाती है, तो जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला
तवा, रसोई घर में जो है लोहे का गीला तवा कुछ समय तक तो खुला छोड़ देने पर उसमें क्या हो जाती है, तो जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं नहीं है, जंग क्या है, लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ से क्या हो जाती है, भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। जंग क्या है, जंग लोहा नहीं है, लेकिन जंग उस पदार्थ से क्या हो जाती है, भिन्न है, अलग है, जिस पर यह लगती है। ठीक है, आगे दिया गया है जो, आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिसमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो कुछ ऐसे भी परिवर्तनों पर विचार करते हैं जिसमें क्या हो रहा है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे क्रियाकलाप 6.6 में दिया गया है, शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए सावधानी, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की ओर लंबी अवधि तक देखना क्या होता है, हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर न देखें, क्योंकि यह क्या है, ज्यादा देखने से आंख पर प्रभाव पड़ सकता है और हानिकारक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया गया है, मैग्नीशियम की पतली पट्टी जिसे हम क्या कहते हैं, फीता कहते हैं। तो मैग्नीशियम के पतली पट्टी यानी फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरों को रेगमाल से, यानी उसके सिरों को क्या करेंगे, तो रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती के लौ के पास लाइए, यह चमकदार श्वेत यानी सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी, जैसे चित्र 6.3 में दिखाया गया। देख लीजिए चित्र 6.3 में, यहाँ पर देख लीजिए चित्र 6.3 में मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता कैसा दिखाई दे रहा है, तो उजली यानी कि सफेद प्रकाश देते हुए क्या करती है, जलने लगती है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है, ध्यान देंगे, यानी जलाने के बाद जो है कुछ श्वेत भस्म यानी कि उजले रंग का भस्म जो है पाउडर के रूप में बची रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है, इस परिवर्तन को समीकरण द्वारा क्या किया जा, समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को किसमें जलाए हैं, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए हैं, तो क्या बन गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देंगे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, जिसे हम संकेत द्वारा Mg से जान लेते हैं। ऑक्सीजन का आपका वो टू हो गया, दोनों को अभिक्रिया कराने के बाद क्या बन गया है, तो ऑक्साइड बन गया है। कौन सा ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg+O से अभिक्रिया कराने के बाद क्या बन गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दें यहाँ लिखित समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से क्या है, भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना, यहाँ पर तीर का अर्थ दिया गया है, तीर का निशान, इसका मतलब क्या होता है, बनना। तीर का मतलब क्या होता है, बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, यानी कि इस 7th क्लास की बुक में जो है अभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित के बारे में कोई प्रयास या कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है और नए छात्रों से अपेक्षित है। ठीक है, फिर दिया गया है भस्म को एकत्रित करके उसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए, यानी कि जो भस्म जो है प्राप्त हुआ है उजले रंग का, उसमें बोला है कुछ मात्रा मिलाइए, मिश्रण यानी कि जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए, मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र का परीक्षण कीजिए। बोला है मिश्रण का जो है लाल और नीले लिटमस पत्र से क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय या क्षारीय। तो अब भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। अब बोला यहाँ पर दिया गया है तो भस्म को जल में घोलने पर क्या कर रही है, यह तो नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्लस जल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो भस्म यहाँ पर प्राप्त हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ दिया गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है यहाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड उनको जो है क्या किया गया है, तो जल में घोलने पर, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को किस में घोला गया है, जल में घोला गया है, तो क्या प्राप्त हो गया है, तो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड MgOH का हॉल टू। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है, एक क्षारक है। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड एक क्षारक है, यानी कि क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है, एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। ध्यान देंगे इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के
के जल में घोला गया है, एक नया पदार्थ बन गया है, कौन सा? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है क्रियाकलाप 6.7, शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का आपका हो गया नीला थोथा, कभी कभी नीला थोथा का नाम पूछा जाता है, तो नीला थोथा और कॉपर सल्फेट दोनों का एक ही नाम है, CuSO4 होता है इसका सूत्र, कॉपर सल्फेट का CuSO4, ठीक है। घोल लीजिए, इस बिलियन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदे मिलाइए, आपको नीले रंग का बिलियन मिल जाएगा। एक प्रकनली अथवा कांच की छोटी बोतल में बिलियन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए और शेष बिलियन में एक कील अथवा उपयोग की जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। जब बिलियन अब बिलियन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले बिलियन के रंग से कीजिए। चित्र 6.4 देख लीजिए, यहाँ पर चित्र 6.4 में दिया गया है, लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट जो है बिलियन के रंग में परिवर्तन हो रहा है। ये कॉपर सल्फेट का बिलियन कैसा दिखाई पड़ रहा है? तो नीला दिखाई पड़ रहा है, ध्यान देंगे, कॉपर सल्फेट का बिलियन अभी क्या दिखाई पड़ रहा है? नीला, और आयरन सल्फेट का हल्का हरा। यहाँ दिया गया है, क्या आपको बिलियन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। अब बोला है कील और ब्लेड को क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। अब यहाँ दिया गया है, जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है आपको वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हुए, यानी कि लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण ये मालूम पड़ता है। जैसे बिलियन के रंग का नीले से हो जाना, यानी कि बिलियन का रंग जो था पहले क्या था? पहले देखिए यहाँ पर नीला था, बाद में क्या हो गया? हरा रंग का। बाद में देखिए कॉपर सल्फेट के बिलियन पहले नीला था, बाद में क्या हो गया? यहाँ पर दिया गया हरा हो गया, बाद में क्या हो गया? हरा हो गया। अब आगे दिया गया है, जो पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है, ये जो पदार्थ बन रहा है वो आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है, ठीक है। लोहे के कील पर भूरा निक्षेप, यानी लोहे के कील पर जो है भूरा निक्षेप, यानी कि कॉपर, भूरा निक्षेप कॉपर, जिसे हम क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं, जिसे संकेत में कहीं कहीं पर Cu भी लिखा रहता है, तो इस बात पर ध्यान देना है। तो लोहे के कील पर भूरा निक्षेप यानी कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, जो लोहे के कील पर जो है भूरा रंग जो दिखाई पड़ता है वो कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, ठीक है। जो एक अन्य नया पदार्थ है, हम इस अभिक्रिया को जो है निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया कॉपर सल्फेट, यह है कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसे कॉपर सल्फेट बिलियन भी बोल सकते हैं या नीला थोथा भी, दोनों एक ही चीज है, दोनों का नाम रखना याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और कॉपर सल्फेट का बिलियन का फॉर्मूला हो गया CuSO4, या नीला थोथा किसे कहा जाता है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट सल्फेट को कहा जाता है। अब ये लोहा के साथ अभिक्रिया कर रहा है, देखिए अब कॉपर सल्फेट को जो है किसमें डाला गया है? तो लोहे में डाला गया है, यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर किस का निर्माण हुआ है? तो आयरन सल्फेट का बिलियन यानी कि FeSO4, जो किस प्रकार दिखाई पड़ता है? हरा, और कॉपर पर जो है भूरा निक्षेप होता है, यानी कॉपर पर जो है कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है? तो भूरे रंग का निक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। अब क्रियाकलाप दिया गया है 6.8 में, किसी प्रणाली में लगभग एक चम्मच सिरका लीजिए, तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान देंगे CH3COOH होता है इसका फॉर्मूला। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, CH3COOH। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताए थे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी, यानी कि यहाँ दिया गया है कि किसी परख नली में लगभग एक चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा लीजिए, क्या लीजिए? खाने का सोडा डालिए, आपको एक बुदबुदाहट के साथ ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है, जो पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? तो परिखनली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है, देख लीजिए, यहाँ पर सिरका को हम बताए थे एसिटिक अम्ल होता है, और प्लस खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और मिलाने के बाद क्या होता है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ का निर्माण होता है। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर सोडा दिया गया है, जैसे सिरका प्लस खाने का सोडा दिया है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित हो रही है। चूने का पानी, चूने के पानी में से गैस उगाने के लिए व्यवस्था। अब दिया गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के बीच, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार से होती है। ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया CO2, और चूने का पानी CaOH का हॉल। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का जो पानी है उनके बीच अभिक्रिया कराया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच क्या किया जा रहा है, तो अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो क्या चीज प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला आता है CaCO3 प्लस, CaCO3 प्लस क्या प्राप्त हो रहा है, जब जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, किसमें, चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है, दुधिया यानी कि सफेद कलर का हो जाता है। ध्यान देंगे इस बात को, जो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है। और चूने के पानी का दुधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का एक मानक परीक्षण है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूने के पानी का जो दुधिया हो जाता है किसके कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, चूने के पानी का दुधिया हो जाना यानी उजले कलर का जो हो जाता है कौन, चूने का पानी, चूने का पानी का दुधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक मानक परीक्षण है। ठीक है, आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में यानी हम जो सांस लेते हैं ना, जो वायु बाहर निकलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक होती है। वो हम अध्याय 10 में चर्चा करेंगे, जो हम श्वसन में, श्वसन यानी कि सांस लेने में, जो जो सांस लेते हैं फिर जो सांस छोड़ते हैं, जो जब सांस लेते हैं तो वो हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है, फिर जो बाहर निकालते हैं वो हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसके बारे में चर्चा जो है अध्याय 10 में करेंगे। ठीक है, अब आगे दिया गया है क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में क्या हो रहा है, यानी कि एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक परिवर्तन में क्या हो रहा है, एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, यानी कि क्रियाकलाप 6.6 में जो है मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म क्या था, एक नया पदार्थ थी। ठीक है, फिर 6.7 में जो क्रियाकलाप किए हैं उसमें कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से क्या बना, तो आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ध्यान देंगे इसमें नया पदार्थ है, यानी कि जितने भी हम क्रियाकलाप किए उस सभी में जो है एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये दोनों क्या थे, नए पदार्थ थे, कॉपर लोहे की ब्रेड पर निक्षेपित हो गया था। ठीक है, यानी यहाँ पर जितने भी हम क्रियाकलाप किए सब में क्या हो रहा है, तो सब में एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। ध्यान देंगे जो क्रियाकलाप 6.8 जो किए हैं उसमें सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से क्या बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिससे चूने का पानी क्या हो रहा है, तो दुधिया कर दिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही चूने का पानी क्या हो जाता है, तो दुधिया हो जाता है। इस बात पर ध्यान देंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है, तो दुधिया हो जाता है। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं, अब यहाँ पर दिया गया है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक अथवा एक से अधिक क्या हो रहा है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो एक या एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान देंगे रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे दिया गया है, जैसे रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे रासायनिक परिवर्तन जो है हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। ध्यान देंगे इसमें पॉइंट है, जितने भी नए पदार्थ है वह रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, भोजन का पाचन क्या हो गया,
तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। फलों का पकना कौन सा परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। अंगूरों का किण्वन कौन सा परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। आदि आदि मतलब हो गया और भी ऐसे हैं जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी, यहाँ पर दिया गया औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्योत्व उत्पाद होती है। ठीक है, उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जक, प्लास्टिक और अपमार्जक डिटर्जेंट कहते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही क्या बनाया जाता है, प्लास्टिक और अपमार्जक जिसे हम डिटर्जेंट्स कहते हैं बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो रासायनिक परिवर्तन के ही द्वारा। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज, जितने भी नए पदार्थ का खोज है, वास्तव में किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तनों का ही उदाहरण है। यहाँ दिया गया रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके ही की गई है, यानी रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही इतने चीज का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या, अब जितने हम पढ़े हैं उसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं यानी निर्माण होते हैं। नए उत्पादों यानी पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी घट सकती है। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाती है, जो जो पदार्थ नया उत्पन्न होगा वो तो होगा ही, साथ साथ जो है निम्न घटनाएं भी घट सकती है। जैसे उष्मा प्रकाश, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है नया पदार्थ का तो निर्माण होगा ही, साथ साथ उष्मा प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरण है का निर्मुक्त यानी कि बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप यही घटना घट सकती है। रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना, ध्यान देंगे जो मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी किसी भी पदार्थ का जलना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। जलने के साथ, यानी जलने के साथ साथ क्या होती है, सदाही उष्मा का उत्पादन भी होता है। जब जब कोई पदार्थ जलता है उसमें क्या उत्पन्न होता है, उष्मा भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट दिया गया है जो पटाखों का विस्फोट, पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोटक से, यानी पटाखा जो विस्फोट करता है, तो ऐसे विस्फोट से क्या होता है, उष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ध्वनि भी उत्पन्न होता है, और जो गैस हम लोग के लिए अरुचिकर है, ठीक है, वो गैसें भी क्या हो जाती है, उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल को क्या करती है, प्रदूषित करती है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें निकलती है जो वायुमंडल को क्या करती है, वो प्रदूषित कर देती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है, पटाखे न जलाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न हो जाती है और वह हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। वातावरण प्रदूषित होने से, वायुमंडल जो प्रदूषित होने से क्या हो जाता है, तो हम लोग अनेकों प्रकार की बीमारियां ग्रसित हो जाती है क्योंकि वही हवा जो है हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हीं सांस के सांस जो ग्रहण करते हैं तो उन्हीं के साथ जो है वह प्रदूषित गैसें हमारे अंदर चल जाती है जो भिन्न भिन्न बीमारियों को क्या करती है, वह संकेत करती है। ठीक है, जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, यानी कि जो आज भोजन बनाए और आज न खा करके दूसरा दिन जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, बासी हो जाता है अथवा सर गल जाती है, उसमें से क्या हो जाती है, दुर्गंध आने लगती है। तो क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। आगे दिया गया अध्याय पांच में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था, यानी अध्याय पांच में हम जो पढ़े हैं उसमें क्या है, अम्ल और क्षारक को मिलाकर क्या किए थे, तो उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर आगे दिया गया है सुरक्षात्मक आवरण, ये सुरक्षात्मक आवरण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिया गया है आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में सुना होगा, ओजोन की परत, हमारे ओजोन की परत कहाँ पर जाते हैं, तो वायुमंडल में। ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में जो पूछा जाता है, इसलिए हम जो है मेन मेन जो पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत जिसका फॉर्मूला होता है O3, ध्यान देंगे ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, कहीं कहीं पर ओजोन
की परत न देकर के O3 लिखा रहेगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसे लिखा रहेगा O3 O3, ओजोन हो गया, ठीक है। कहीं के ओजोन की परत ऐसे भी लिखा रहेगा, कहीं के O3 भी लिखा रहेगा, दोनों चीज ध्यान देना है। तो आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा, यह हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थित हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण से बचाती है। यानी हमारे वायुमंडल में जो ओजोन की परत है ना, वह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण, यानी कि हमारे सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश में पर्यावरणीय किरणें बनती है, ठीक है। वह पर्यावरणीय विकिरण जो यानी किरणें जो होती है, वह उससे हम लोग रक्षा करती है, कौन? ओजोन की परत। ध्यान देंगे, ओजोन की परत जो है सूर्य से निकलने वाले पर्यावरणीय विकिरण या किरणों से हमारे क्या करती है, रक्षा करती है। वो ओजोन परत क्या करता है, वो ओजोन परत जो है पर्यावरणीय विकिरणों को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेती है, वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है, और ऑक्सीजन में क्या करती है, परिणत हो जाती है। ध्यान देंगे, ओजोन परत जो है वो पर्यावरणीय विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में क्या कर देती है, बदल देती है, यानी परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होता है, ध्यान देंगे, ऑक्सीजन जो है वो ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पर्यावरणीय विकिरण अवशोषित नहीं होती, यानी दिया गया है कि यदि ओजोन द्वारा पर्यावरणीय विकिरण, ठीक है, यानी पर्यावरणीय विकिरण किससे निकलती है, ध्यान देंगे, तो सूर्य के प्रकाश से। तो अगर ओजोन न रहे, ठीक है, यदि ओजोन द्वारा पर्यावरणीय विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी पर क्या करेगी, पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को क्या करेगी, वह हानि पहुंचाएगी। ध्यान देंगे, अगर ओजोन की परत न रहे तो सूर्य की डायरेक्ट किरणें जो है हमारे पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर अन्य जीवों को जो है क्षति पहुंचाएगी। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करता है। ध्यान देंगे, ओजोन की परत जो है इस विकिरण से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करके प्राकृतिक की आवरण की तरह क्या करते हैं, वह कार्य करती है। इसलिए ओजोन का परत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें अनेकों बीमारियों से क्या करते हैं, वह बचाती है, ठीक है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े क्या हो जाते हैं, तो भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उससे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार का क्रियाकलाप आप आलू पर कर सकते हैं या बैंगन के टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, रंग का परिवर्तन होता है, वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। ध्यान देंगे, वास्तव में क्या होता है, किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आप यह बताना है क्या यह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, ठीक है। आगे दिया गया है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जंग जो लग जाती है उस घटना पर पुनः विचार करेंगे। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है। यानी जंग लगने से क्या हो जाता है, लोहे का वह वस्तु क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है। ध्यान देंगे, जंग लगने पर क्या होता है, वो पदार्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, जंग लगने पर जो है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ेगा कि घटेगा? तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान देंगे, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। चूंकि लोहे का उपयोग जो है, लोहे का उपयोग किसमें होता है, सेतु में या पुल निर्माण में, जहाज में, कार में, ट्रक में आदि का ढांचा बनाने के लिए और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाले आर्थिक हानि बहुत ही अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को हम जो है निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त करेंगे, यानी जंग जो लग जाती है ना, उस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करेंगे। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर लोहा है, क्या है, लोहा है, प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है, लोहा प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर लोहा दिया गया है, लोहे प्लस ऑक्सीजन यानी वायु से प्लस जल से किसी का निर्माण हो रहा है, तो जंग का निर्माण हो रहा है। तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। यानी कि दिया गया है, जंग लगने के लिए, जंग जो लगता है वो खास करके वायु में नमी होने के कारण, वायु में नमी जिसे हम मॉइस्चराइजिंग कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं, तो उसी के कारण जो होता है लोहे में जंग लग जाता है। यहाँ दिया गया है, जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, तब
जंग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं कि लोहा, याद दिया गया लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल से किस चीज का निर्माण होता है, यानी जंग का निर्माण होता है। वास्तव में यदि वायु में आद्रता की मात्रा अधिक हो, याद दिया गया है यदि वायु में आद्रता यानी कि नमी जिसको बोलते हैं, ध्यान देंगे आद्रता को ही क्या कहते हैं, नमी कहते हैं। तो आद्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो क्या करते हैं, जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, अब जो जंग लगता है उनको हम रोकथाम कैसे करेंगे, तो लोहे की वस्तुओं को क्या करेंगे, लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल या दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। यानी कि जंग लगने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो उस जंग लोहे को जो है ऑक्सीजन या जल या दोनों के संपर्क में आने से क्या करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। इसका एक तरह एक सरल उपाय उन पर पेंट, यानी कि उसको बचाने के लिए उस पर क्या करना चाहिए, पेंट करना चाहिए या ग्रीज की परत, यानी कि उसको पेंट करके या ग्रीज की परत चढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, तो जंग से बचा सकते हैं। वास्तव में लोहे की, ठीक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह दिया गया है अध्याय एक में हमने पढ़ा कि पादप यानी पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, तो हाँ प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है, पहले ने कहा कि पाचन भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ओ इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। ठीक है, आगे है, वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट, यानी कि लोहे की सभी वस्तुओं पर क्या करेंगे, नियमित रूप से पेंट या ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए। यानी कि अगर हम लोहे को जंग से बचाना चाहते हैं तो उनको जो है नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत जो है उस पर चढ़ाते रहेंगे, तब जाकर क्या होगा, हम लोग जो है लोहे को जंग से बचा सकते हैं जिसमें उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम, ध्यान देंगे क्रोमियम अथवा जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाना है। ठीक है, अब जिस जस्ता यानी जिंक दिया गया है या क्रोमियम के द्वारा भी उस पर परत चढ़ा सकते हैं। जस्ता यानी कि जस्तीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, लोहे पर परत चढ़ा करके उसको जो है जंग से बचा सकते हैं। अब दिया गया है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब प्रश्न ऐसे ही पूछता रहता है कि लोहे पर जिंक जो परत चढ़ाएंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होता है, यानी कि हमारे घरों में जो पानी की जो आपूर्ति होती है उसमें जो लोहे की जो पाइप रहता है उस पर क्या किया जाता है, उस पर यशद लेपित यानी कि उस पर जो है गैल्वेनाइजिंग किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं या गैल्वेनाइजिंग भी कह सकते हैं, उसकी परत लेपी रहती है जिससे उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता। ठीक है, आगे दिया गया है, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, पानी के जहाज किसके बने होते हैं, तो लोहे के बने होते हैं, उनका एक भाग जो है हमेशा पानी में डूबा रहता है, पानी के ऊपर के भाग पर भी पानी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में क्या होते हैं, तो अनेक प्रकार के लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है, लवणयुक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, ध्यान देंगे जो लवणयुक्त जल होता है वो जंग लगने की प्रक्रिया को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है, इसी कारण जो है जहाजों पर पेंट करने के बाद भी क्या होता है, उस पर जंग लगने की काफी क्षति होती है, बहुत ही क्षति होती है। ठीक है, यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है, इसी कारण जो है यानी कि पेंट करने के बाद भी उसमें क्या होता है, जंग लगना जारी ही रहता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, प्रतिवर्ष क्या करता है, उसको बदला जाता है, प्रतिवर्ष क्या करता है, उसको बदला जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु से बनाया जाता है।
स्टेनलेस स्टील जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किस चीज के मिश्र धातु से बनाया जाता है, देख लीजिए, लोहा, निकेल, लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज। ऐसे ही बराबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग ऐसी तीनों चारों चीज याद रखेंगे। लोहा यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है, लोहा दिया गया है, फिर निकेल दिया गया है, क्रोमियम दिया गया है और मैंगनीज, यानी कि स्टेनलेस स्टील का जो निर्माण होता है वो उन चारों के मिश्रण से ही निर्माण होता है। ठीक है, जैसी धातु में मिलाकर बना जाता है जिसमें जंग नहीं लगता। ध्यान देंगे स्टील में, स्टेनलेस किस स्टील में, तो स्टेनलेस स्टील में जो है जंग नहीं लगता, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। अब अगला पॉइंट है क्रिस्टलीकरण, दिया गया है कक्षा छ में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक, ध्यान देंगे साधारण नमक जिसे हम लवण कहते हैं, साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है जो समुद्र के जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वाष्पन द्वारा। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होते हैं और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कराती है, क्रिस्टलीकरण करते हैं। यह क्रिस्टलीकरण क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ध्यान देंगे क्रिस्टलीकरण क्या है, जो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें होता क्या है, जो वाष्पन द्वारा जो हम नमक प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, और शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को जो है स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार यह जो है किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल से उनके विलयन से प्राप्त किए गए विधि को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण क्या है, एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे दिया गया है, जो केवल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करें, जल को उबालते समय सतर्क रहे। क्रियाकलाप 6.9 में दिया गया है, 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में ही किया जाए। यानी कुछ कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होते हैं जो शिक्षक की उपस्थिति में ही करना लाभदायक साबित होता है। जैसे यहाँ दिया गया है, तो किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए, यानी पानी लीजिए, और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, ध्यान देंगे H2SO4, कुछ बूंदे मिलाइए और जल को गर्म करें। यानी कि जल में क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके फिर जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब जल उबलना आरंभ कर दे उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला आता है CuSO4, ध्यान देंगे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आता है CuSO4 का चून निरंतर चलाते हुए मिलाइए, जैसे चित्र 6.6 में यहाँ पर दिखाया गया। ध्यान दीजिए चित्र 6.6 में दिखाया गया है, कॉपर सल्फेट का चून मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सतह से क्या करेंगे, छान लेंगे, इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो उसे क्या करेंगे, हिला डुला कर या अन्य किसी प्रकार न छेड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं, यदि नहीं तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा, अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तन को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपने वातावरण में अपने आसपास में परिवर्तनों को देख सकते हैं कि यह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, और उसे हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर नहीं पहचान सकते हैं तो पहचानने का प्रयास करेंगे। अगला दिया गया है पॉइंट में, कुछ प्रमुख शब्द दिया गया है, जैसे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, क्रिस्टलीकरण, यशद लेपन, भौतिक परिवर्तन, जंग लगना, इसके बारे में ऊपर चर्चा किया जा चुका है। अब दिया गया है आपने क्या सीखा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, ध्यान देंगे भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनते, ठीक है। ये परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय हो सकते हैं, इसमें कुछ नया पदार्थ निर्माण नहीं होता, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। कुछ पदार्थों के क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, किस विधि द्वारा, तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा। आई तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।